मलाड स्थित शिवाजी चौक पर चामुंडेश्वरी सेवा समिति द्वारा सातवां महापूजन का आयोजन 17 फरवरी को शाम 6 बजे आयोजित किया गया और हमारे देश के पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में उत्तर मुंबई भाजपा सांसद गोपाल सेट्टी, कांग्रेस पार्टी के मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम, मुंबई महिला अध्यक्षा डॉक्टर अजंता यादव, आरपीआई के जिला अध्यक्ष हरिहर यादव, कांग्रेस पार्टी मुंबई अध्यक्ष महाराष्ट्र महासचिव मानवाधिकार सेल के इश्तियाक जागीरदार, पूर्व शिवसेना नगर सेवक सुनील गुजर, जिला अध्यक्ष कर्नाटक नागेंद्र बाबना, कांग्रेस पार्टी के सीनियर मुंबई अध्यक्ष मानवाधिकार सेल सुनील कुमार गौड़ा सहित आम जनता यहां पर मौजूद हुए। देखिए, देवी देवताओं का पूजा करना यह भारतीय लोगों का कल्चर है, संस्कार है। भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए मेरे सांसद का यहाँ पर आने से उनका मनोबल भी बढ़ रहा है और मुझे भी अच्छा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ में मैं भी जुड़ रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान जिस प्रकार का हरकत कर रहा है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे देश के सेना सक्षम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री सक्षम है, बहुत ही कड़ा जवाब उन्होंने दिया है। और आने वाले दिनों में देखेंगे भारत का जो दबदबा पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में फैला हुआ है, पाकिस्तान अलग थलग सा पड़ गया है, पाकिस्तान का कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। और मैं मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु पास में आ जाती है तो अंतिम सांसें बहुत जोर से गिनता है, तो पाकिस्तान वही कर रहा है अभी इन दिनों में, भारत सरकार दे रही है। और आने वाले दिनों में हमारे देश के जवानों को और उनके परिवारजनों को जो भी मदद हो सकेगा वो पूरा करने का प्रयास देश की सरकार तो कर ही रही है, लेकिन देश की जनता भी इन दिनों में आप देखेंगे तो जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ तो बड़े पैमाने पे लोग पूछते हैं कि साहब कौन से नाम से चेक देना है, क्या करना है। मैं मानता हूं कि भारत देश के सैनिकों को किसी भी चीज़ की कमी पड़ने नहीं देंगे हम लोग। हमारे सामने ठीक सामने इश्तियाक जागीरदार जी, जो कांग्रेस पार्टी के मानवाधिकार सेल के मुंबई अध्यक्ष और महाराष्ट्र के महासचिव हैं, इनसे एक खास मुलाकात। श्री चामुंडेश्वरी सेवा समस्त का जो प्रोग्राम आयोजन किया गया और महापूजा का आयोजन किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पिछले 7 सालों से चामुंडेश्वरी सेवा संस्था ये मलाड के अंदर हर साल महापूजा, महाभंडारा और मेडिकल कैंप भी रखते थे, जिसके आयोजक गोविंद गौड़ा जी थे, अभी जिनको बनाया गया कुमार गौड़ा जी। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ह्यूमन राइट्स के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुंबई कांग्रेस के चीफ जनरल वाइस प्रेसिडेंट सुनील कुमार गौड़ा जी का भी पूरा सहयोग इसमें रहता है। और हम लोग हर साल यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हर पार्टी के लोग, हर पक्ष के लोग यहाँ पर आते हैं। बीजेपी, शिवसेना, जैसा कांग्रेस के आज हमारे संजय निरुपम साहब आए, वैसा ही कांग्रेस से मुझे हर साल बुलाया जाता है यहाँ पर। एनजीओ के लोग आते, सभी संस्था के लोग आते, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है समाज के अंदर। कर्नाटक के विषय पे कभी भी कोई मामला आता है, संस्था सबसे आगे आती है। कहीं भी किसी गरीब का ऑपरेशन करना है, अभी बीच में आँखों का ऑपरेशन, हार्ट, किडनी, कैंसर, ब्रेन का ऑपरेशन, इन्होंने यहाँ पर मेडिकल कैंप रखकर कई लोगों के ऑपरेशन करने के लिए भागदौड़ किए। सुनील कुमार गौड़ा भाई और ये जो संस्था है चामुंडेश्वरी सेवा संस्था और कई ऐसे कर्नाटक की संस्था है यहाँ पर जो नई मुंबई से लेकर मुंबई तक कार्यक्रम करते हैं और पूरे कर्नाटक के लोग एकजुट होते हैं और महाराष्ट्र मुंबई के लिए पूरा सहयोग करने का काम करते हैं। मैं इनको मन से धन्यवाद देता हूँ। और पूरा आज जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो जवानों पर हमला हुआ, जो शहीद हो गए जवान, उनके लिए भी यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया और उनको सलूट करने के लिए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए और सभी पार्टी के, सभी समाज के लोग एकजुट होकर ये कार्यक्रम रखे, उन सबका धन्यवाद। और हकीकत में सरकार से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनको ये समझ लो कि आपके परिवार के लोग हैं। यहाँ बातें करती है सरकार, सरकार कहती है कि हम उनकी मदद करेंगे, मगर मदद पहुंचती नहीं है। हम चाहते हैं शहीदों को जितना भी मदद की जाए वो कम है और उनके परिवार को घर तक जाकर, और मैं वहां के लोगों से कहूंगा कि उनको मदद मिली क्या नहीं और क्या मदद उनको चाहिए, वो सरकार खामोशी से जाकर उनके अधिकारी पूछे और वो सार्वजनिक ना हो, क्योंकि कोई बताएगा नहीं उनके घर में क्या प्रॉब्लम है। कोई बेवा हो, कोई यतीम हो गया, किसी का घर नहीं है, ये तक सुनने आया कि नौकरी, वो आर्मी मिलिट्री में नौकरी के लिए इतना परेशानी से नौकरी ढूंढे थे, मगर देश के लिए वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। महान लोग हैं, उनको पूरी सहयोग करना चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि एकजुट होकर उनको मदद करने के लिए पूरी आवाज उठाए। जवानों की जो शहादत है उसका बढ़िया से बदला ले, हम सब सरकार के साथ रहेंगे। ऐसे तो जो जवान हमारे बीच नहीं रहे, वो किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के पिता थे, किसी का भाई थे, किसी बहन का भाई चला गया, किसी
बहन का पति चला गया, किसी मां का बेटा चला गया, किसी बेटे का पिता चला गया। ये सचमुच बहुत दुख और कष्ट का समय है। उन जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं आज माता रानी के दरबार में। श्री चामुंडेश्वरी देवी सेवा समिति की तरफ से महापूजा का जो आयोजन है वो बहुत ही पवित्र और पावन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया गया, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इसके लिए। माता रानी का दर्शन किया, उनकी पूजा की, और इसी बहाने इस इलाके के हमारे सभी साथियों से वर्षों बाद बहुत अच्छे से खुल करके मुलाकात हुई। सभी साथियों के लिए मैं माता रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूं, उनको आशीर्वाद मिले और सभी अपने अपने इलाके में अपने अपने कामकाज में तरक्की करें। आज श्री चामुंडा सेवा समाज के तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया है ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और ये समाज हर साल ये करते हैं और इसमें सभी समाज इकट्ठा होके एक महापूजा का आयोजन करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। जिस तरीके से ये लोग महाप्रसाद बनाते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, और खासकर जिस तरीके से यहाँ पे श्रद्धा से सब श्रद्धालु आते हैं और माता चामुंडी के लिए आते हैं, और बहुत ही अच्छा आयोजन है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज शहीदों को भी हम याद कर रहे हैं, उनकी जो शहीद हो गए हमारे जवान, उनके लिए हमें बहुत दुख है और बुरा लगता है कि सरकार इसको कदम उठाएगी, ऐसा हमको अनुमान है। जब से सरकार आई है तब से आप देख रहे हो कि बीजेपी सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी पार्टी एक हो जाए, खासकर कांग्रेस पार्टी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि हम सब विपक्ष हमारे सरकार बीजेपी सरकार के साथ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं हम सारे विपक्ष, और इन पे ठोस कदम उठाना चाहिए, इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ये जवानों की आज शहीद हुए हैं, इसका हमको न्याय मिलना चाहिए। श्री चामुंडेश्वरी सेवा समस्ता जो मलाड में 7 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, वो हर साल हमारे समाज के कई लोग मिलके इस प्रोग्राम को एक अंजाम देते हैं और माता चामुंडेश्वरी का आशीर्वाद लेते हैं और लोगों का भंडारा चलता है, काफ़ी लोग आके इधर प्रसाद का लाभ लेते हैं। वैसे जैसे सभी राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पे आके उनका व्यक्तित्व प्रकट करते हैं और यहाँ के लोगों को पूरा सहयोग देते हैं इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, कोई भी तरह का कोई तकलीफ नहीं होने देते हैं। और रही बात यह, जो कुमार अन्ना जो भी नए अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में भी बहुत ही अच्छी तरह से, जैसा गोविंद अन्ना हर साल करते आ रहे थे प्रोग्राम, उसी तरह से वो भी अपना प्रोग्राम अच्छी तरह से निभा रहे हैं। मैंने जो भी सोचा था वो अच्छा ही किया, अभी जो कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, उसका बारे में मेरे से नहीं हो रहा करके उनके हिसाब से मैंने उनको कुर्बान दे दिया है। आज या ठिकाणी सेवा आज यानी अतिशय चांगला कार्यक्रम घेतलेला आहे, जे काश्मीर मध्ये शहीद चांगली काम करता है, शुभेच्छा देते हैं। ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं 7 साल से कर रहे हैं, और हम लोग का जो ग्रुप है श्री सिद्धि गणेश फ्रेंड्स ग्रुप, वो इनके साथ में ही है, और हम लोग जो भी हेल्प करने की रहती है वो हम लोग हर साल करते हैं। और माता रानी की अच्छे से पूजा होती है चामुंडेश्वरी माता की, और हर साल ऐसी कृपा बनी रहे उनकी, और हमारे को जो बन पड़ेगा हम लोग वो हेल्प करेंगे उनको। तो बहुत अच्छे से उनका कार्यक्रम होते हैं और सब फैमिली वगैरह सबके उनके गौरव समर्थन है, वो सब अपने कंधे से कंधे मिला के करते हैं, और उसके साथ हम श्री सिद्धि गणेश फ्रेंड्स ग्रुप भी साथ में जुड़े हुए हैं, और सब उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं और ऐसा ही करते रहे, ये हमारे खूब चिंता है, बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए इनको। चामुंडेश्वरी सेवा समिति 7ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ CN ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಆಗಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ನಿವೃತ್ತ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ಸಿ ಎನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಮಿಲಿಟ್ರಿಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ. ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೀವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾರೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನಿವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೂಡಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೈ ಈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಮೇರೆ ಜೋಬಿ ಮೇರೆ ಬಾಯ್ ಬೆನ್ ಲೋಕ ಐಸಿ ಹಮೇಶಾ ಕಟ್ಟರೇವೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕು ಹಾಗೆ ಬಡನಗ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾರೇಗ ಐಸ ಕಾಮ್ ಓಯ್ತಾರೇಗ ಐಸ ಹಮೇಶಾ ಚಲ್ತಾರೇಗ. ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ತೋ ಯಹಾ ಪೆ ಹಮಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಜೋ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೈ ಇಶ್ತಿಯಾಕ್ ಭಾಯ್ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಜಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಜೊ ಹಮೇಶಾ ಹಮೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ತೇ ಹೈ ಔರ್ ಹಮ್ ಪಿಛಲೆ 7 ಸಾಲ್ ಸೆ ಜೈಸೆ ಕಿ ಗೋವಿಂದ್ ಭಾಯ್ ಜೋ ಅಭಿ ಯಹಾ ಪೆ ಮೇರೆ ಬಾಜು ಮೇ ಬೈಠೆ ಜೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷತನ ಹೈ ಜೋ ಇನ್ಹೋನೆ ಇಸ್ ಚೀಜ್ ಕೋ ಯಹಾ ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಿಯಾ ಥಾ ಔರ್ ಪಿಛಲೆ 7 ಸಾಲ್ ಸೆ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಯಹಾ ಪೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕರ್ತೇ ಆಯೇ ಹುಏ ಹೈ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಹಮ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಿಯೇ ಹುಏ ಜೈಸೆ ಕಿ ಪಹಲೆ ಸಾಲ್ ಜಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಿಯೇ ಥೇ 1-2 ಸಾಲ್ ಮೇ ಹಮ್ನೆ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಲಿಯಾ ಥಾ ಫ್ರೀ ಹಾರ್ಟ್ ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಲಿಯಾ ಥಾ ಜೋ ಬಹುತ್ ಕಾಫಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಥಾ ಐಸೆ ಕಾಫಿ ಲೋಗೋನೆ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೆ ಥ್ರೂ ಉಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾ ಫಾಯ್ದಾ ಲಿಯಾ ಹುಆ ಹೈ ಪ್ಲಸ್ ಅಭಿ ಜೋ ಹಮಾರೆ ಜೋ ನಯೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಹೈ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡಾ ಜಿ ಏಕ್ ಯುವಾ ಲೇತಾ ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ಹಮಾರೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ ನೇ ಉನ್ಕೋ ದಿಯಾ ಹುಆ ಪ್ಲಸ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಉನ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇ ಹೈ ಔರ್ ಮೇ ಆಶಾ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಕಿ ಯಹಾ ಪೆ ಜಿತ್ನೆ ಭಿ ಸಂಗಠನ್ ಹೈ ಜೋ ಮೇರೇ ಭಾಯಿ ಬಹನ್ ಹೈ ಏಕ್ ಕುಛ ಅಚ್ಛಾ ಕಾರ್ಯ ಕರೇ ಔರ್ ಕುಛ ಅಚ್ಛಾ ಕಾಮ್ ಕರೇ ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಮೇರಾ ಹಮೇಶಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ರಹೇಗಾ ಏಕ್ ಮಾನವತಾ ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಏಕ್ ತೋ ಸಂಘ ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಭಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸಂಘ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾ ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಭಿ ಪ್ಲಸ್ ಜೈಸಾ ಅಪ್ನಾ ಜೋ ಇಸ್ತಾಯ್ ಬನ್ನೆ ಜೋ ಪೋಸ್ಟ್ ದಿಯಾ ಮಾನವ ಅಧಿಕಾರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಸ್ಕೆ ತರಫ್ ಸೆ ಭಿ ಮೇ ಹಮೇಶಾ ಕಭಿ ಭಿ ಕುಛ ಭಿ ರಹೇಗಾ ಮೇ ಹಮೇಶಾ ಹಾಜಿರ್ ರಹೂಂಗಾ ಸರ್. ಕೋಯಿ ಕಹತಾ ಹೈ ಹಿಂದೂ ತಕ್ಲೀಫ್ ಮೇ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಕಹತಾ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಖತ್ರೆ ಮೇ ಹೈ, ತೋ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಮೇ ಯೇ ಬೋಲ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ ಕಿ ಜೋ ಹಮಾರೇ ಜೋ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಮೇ ಜೋ ಶಹೀದ್ ಹುಏ ಹೈ ಏಕ್ ತೋ ಕಾಫಿ ದುಃಖ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಹೈ ಔರ್ ಜೈಸೆ ಕಿ ಅಭಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೆ ಸೆ ಹಮಾರೇ ಇಸ್ತೇಕ್ ಭಾಯಿ ಜೋ ಆಯೇ ಹುಏ ಹೈ ಪ್ಲಸ್ ಮಂಜು ಜೋ ಉನ್ಹೋ ಆಂಕರ್ ಥೇ ಉನ್ಹೋನೆ ಬೋಲೆ ಕಿ ಸಭಿ ಜನ್ ಖಾಲಿ ಏಕ್ ರುಪಯಾ ಭಿ ನಿಕಾಲೆಂಗೆ ಹಮಾರೇ ಡೈಲಿ ಜೀವನ್ ಸೆ ಅರ್ಬೋ ಕರ್ಬೋ ರುಪಯಾ ಜಮಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ ಪೈಸೆ ಸೆ ಹಮಾರೇ ಜೋ ಜವಾನ್ ವಹಾಂ ಪೆ ಜೋ ಶಹೀದ್ ಹುಏ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಅಚ್ಛಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ದೇ ಸಕ್ತೆ ಜೈಸೆ ಕಿ ಜೋ ಭಿ ನಯೆ ನಯೆ ಜೋ ಮಶೀನ್ ಗನ್ಸ್ ಹೋ ಸಕ್ತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೆ ಯಾ ಫಿರ್ ಜೋ ಬಸಿಸ್ ಹೋತಿ ಹೈ ಜೈಸೆ ಕಿ ಮುಜೆ ಪತಾ ಚಲಾ ಜೋ ಬಸಿಸ್ ಜೋ ಅಭಿ ಹಮಾರೇ ಜೋ CRPF ಕೆ ಜವಾನ್ ಆಯೇ ಥೇ ವೋ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾ ಬಸ್ ಥಾ ಔರ್ ವೋ ಕಾಫಿ ಮತಲಬ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಕಾ ಬಸ್ ಥಾ ತೋ ಕಹನೆ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಕಹೀಂ ನಾ ಕಹೀಂ ಜೋ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಲ್ ಹೈ ವಹಾಂ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಮಜಬೂತ್ ಕರ್ನೆ ಜೈಸೆ ಬಸಿಸ್ ಬೋಲೋ ಜೋ ಉನ್ಕೋ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬೋಲೋ ಯಾ ಐಸೆ ನಹೀ ಕಿ ಖಾಲಿ ಮೇನ್ ಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೋ ದಿಯಾ ಜಾಯೆ ಹರೇಕ್ ಜವಾನ್ ಜೋ ವಹಾಂ ಪೆ ಜಾತಾ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೆ ಲಿಯೇ ಸಾರಿ ಚೀಜ್ ಜರೂರತ್ ಹೈ ತೋ ಯೇ ಹಮ್ ಏಕ್ ರುಪಯೆ ಭಿ ಅಗರ್ ಯೋಗದಾನ್ ಕರೆಂಗೆ ತೋ ಉನ್ಕೋ ಲೋ ಕಾಫಿ ಮದದ್ ಹೋಗಾ ತೋ ಮೇ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ ಸಭಿ ಭಾರತೀಯ ಜೋ ಹಮಾರೇ ನಾಗರಿಕ ಹೈ ವೋ ಇಸ್ ಚೀಜ್ ಮೇ ಐಸಾ ಸಮಝೇ ಕಿ ವೋ ಖುದ್ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ ರಹೇ ಉನ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ ರಹೇ ತೋ ಕೃಪಯಾ ಕರ್ಕೆ ಏಕ್ ರುಪಯೆ ಭಿ ವೋ ಸರ್ಕಾರ ಕೋ ದೀಜಿಯೇ ಕರ್ಕೆ.